हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सब? सुबह के गुड आफ्टरनून गाइस, सुबह के बज रहे 12:30। अभी मैं सो के उठा हूँ। तो अब चलते हैं बाहर, चाय पीते हैं, क्योंकि स्वाति भी साथ में उठती है। आज मेरी नींद 7 बजे खुली, तो मैं सोच रहा था 7 बजे उठ जाऊँ, लेकिन मैंने कहा चलो 1 घंटा और सो जाता हूँ, क्योंकि कल रात को 3 बजे मीटिंग खत्म हुई थी इस वजह से। और मैंने कहा कि अब आज मेरे को ऐसा लगा कि अगर मैं लेट उठूंगा तो सब लेट उठते हैं। आज से मैं जल्दी उठूंगा, कल से अलार्म लगा दूंगा, सुबह 5 बजे उठा करूंगा। हंस क्यों रही हो? हंस रही है? 5 बजे मैं उठ नहीं सकता, कभी नहीं, लाइट ही नहीं आ रही। कभी नहीं उठ सकते, 5 बजे मैं नहीं उठ सकता। कभी नहीं, क्यों नहीं उठ सकता? चेहरे पे नहीं लिखा रहा आपके 5 बजे उठना। जब जॉब करते थे तब भी आप 10 मिनट के अंदर ही उठते थे, भाग भाग के जाते थे, भाग भाग के। या तो उठता तो था उस टाइम पे दिमाग में ही टेंशन रहती थी कि 2 बजे पहुंचना है, 2 घंटे का रास्ता है, 12 बजे उठ जाऊंगा, तो चलो 12:10 में भी पहुंच गए तो 10 मिनट लेट हो जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं, उतना तो मैं भाग के कवर कर लूंगा। तब भी 12 बजे उठती, तब भी 12 बजे उठती, चेंज क्या है यार? वो जब से नौकरी करी ना मैंने नाइट जॉब वाली, तब से मेरी हालत खराब हो गई। इस वजह से मेरी हालत खराब हो रही है। कल सुबह देखना, कल आपको ब्लॉग सुबह 8 बजे मिलेगा, वो तो मिल ही जाएगा, मतलब रात को डालूंगा, मतलब 8 बजे गुड मॉर्निंग का मैसेज मिलेगा। जब अगर कल ब्लॉग बनाऊंगा तो हेलो गाइस सुबह 8 बज के विद घड़ी के साथ देखती हूँ, घड़ी में टाइम चेंज कर देते हो आप। यार ऐसा मत बोलो यार, पब्लिक पब्लिक पागल थोड़ी है। नहीं सच्ची में गाइस, अगर आप देख ला बाय बाय, बाद में मिलते हैं, चाय पी लेते हैं। ये रात को 12 बजे बना रहे हैं वीडियो, तो सुबह 8 बजे का टाइम कर देंगे। तो सुबह की चाय आज 12:30 बजे विद मटरी। ये मटरी हमारे मौसा जी ने बनाई थी, सौरभ भैया लेके आए हैं, उनके हाथों की है, मसाला भी उनके हाथों का है, और एक नंबर मटरी है। वाह। तो गाइस 3 बज चुका है दोपहर का, और अभी तक हमने कुछ भी काम नहीं किया है, नहा धो के बस बैठे हैं, और स्वाति अब खाना बना रही है। अभी तक हमने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है, चाय पी है बस। स्वाति यार जल्दी उठ जाया करो, तुम घर की बहू हो, सुबह 6 बजे उठ जाया करो। तुम सुबह सोने भी दिया को जल्दी मुझे, मैं क्या करता हूँ, तो वो तो मीटिंग होती है, तुम ऐसे बोलती हो सोने दिया करो, मैं ही जगाता हूँ तुम्हें, ऐसी बातें करती हो, पब्लिक को भड़का रही हो तुम। तो कल से सुबह 6 बजे उठ जाया करो यार, थोड़ा अपना इस टाइम तक तो अपने सारे काम हो जाने चाहिए, और अभी हमने बस खाना खाया, खाना भी नहीं खाया। मैं कह रही हूँ आप उठ जाओ, सब उठ जाएंगे। ठीक है, कल से मैं ही उठूंगा सुबह 6 बजे। आप तो जल्दी पर तो खाना, भूख लग रही है मेरे को। तो दोपहर के 3 हो रहे हैं, अब खाना खाने का टाइम हो गया, आ जाओ खाना खाते हैं। थैंक यू स्वाति, आपकी वजह से हमें 3 बजे खाना तो मिल रहा है, थैंक यू। तो आ जाओ, जिसको खाना खाना बाद में मत कहना, बुलाया नहीं, आज खाना बहुत है, कल कम पड़ गया था। काहे रो रही है बच्चा, आंसू तो दिखाओ, आंसू तो देखने ने। अच्छा मुंह ऊपर कर दिया, मुंह ऊपर कर दिया, देख ले आंसू है, बेचारी के पैर में लग गई, मेरे साथ मस्ती कर रही थी, मैं हट गया तो ये बेड लग गया बेचारी के। दोबारा दिखाओ, आंसू दिख नहीं रहे, आंख बंद करो निकलेंगे। आज से निकालती है ओवर एक्टिंग की दुकान, सच में चोट तो लग गई है, हाँ दिख नहीं रही, लेकिन ये कितने कारे कारे पैर, तुमसे सुंदर तुम, सॉरी बस अब चुप हो जाओ। बाबू मिलो बच्चा, बाबू आज 200 रुपये की ज़्यादा शॉपिंग कर लेना है, गोलगप्पे खाओगी, बर्गर खाओगी, डोसा खाओगी, हगने जाओगी। चलो अब तो गाइज, अभी अभी सुर्खियों से पता चला है कि स्वाति का सुबह से ही रोने का मन था, नहीं तो ये बहाना मिल गया। तो काय बार बार मेरे को 3-4 बार बुला रही, इधर आओ ना मुझे चोट के मत जाना, इधर आओ ना मुझे। मैंने कहा क्या हो गया आज इसको, सपना पूरा देख लिया क्या, मैं किसी और के साथ भाग गया, तो क्यों 3-4 बार बुलाया? आज इसका रोने का मन था, लेकिन बहाना मिल, भगवान बहाना देता, ले बेटा रो ले जी भर के, अब पैर की चोट के बहाने रो भी रही है, वो दर्द भी जो सपने में देखा है इसने। चुप हो जा बेटा, तुम्हें गोलगप्पे खिलाऊंगा 10 रुपए के, चलो।
तो गाइस आप सभी को हैप्पी लोहड़ी, क्योंकि लोहड़ी आने वाली है 13 तारीख को। और स्वाति कह रही है कि मेरे पास सूट नहीं है, पटियाला सूट खरीदना है, लोहड़ी मनानी है। तो मैंने कहा चलो लोहड़ी का हम सेलिब्रेशन कर रहे हैं अपने घर में ही, तो सारे फ्रेंड्स वगैरह आएंगे, तो चलते हैं शॉपिंग करने। तो मार्केट में आ चुके हैं, मार्केट में घूम रहे हैं, क्या लेना बताओ। वेरी गुड। स्वाति ने ड्रेस खरीद ली है, वो दिखाएगी अपने वीडियो में, तो जाके स्वाति का वीडियो देखो। तो आज ये शीशा लगवा रहे थे तो ये टूट गया है गलती से, और अब स्वाति कह रही है कि टूटा शीशा घर में नहीं रखवाया जाता है, अब थोड़ा सा टूटा पूरा चेंज करवाओ, हालत खराब हो रही है। तो गाइज आज 10 बजे खाना दे दिया, थैंक यू स्वाति, आपका एहसान है हमारे ऊपर कि आज आपने हमें टाइम पे खाना दिया, और 10 बजे हम खाना खा रहे हैं। जिसको खाना है खा लो, आ जाओ, बाद में मत कहना बुलाया नहीं, क्योंकि मैंने स्वाति से बोल दिया था मेरे को 10 बजे अगर तुमने गाना कह रहा हूँ 10 बजे अगर तुमने मेरे को खाना दे दिया तो 11 बजे तक मैं सो जाऊँगा, सुबह 8 बजे उठ के कल से देखना तुम, सुबह 8 बजे, 8 बजने से पहले आँखें ऐसे उगलेंगी, वहाँ 8 बजे नहीं मेरी आँखें ऐसे ऐसे होना। मैं बताऊं 8 बजे उठोगे बेटा, जितना काम मैं करवाता हूँ ना इतना कोई पति करवाता भी नहीं होगा। कमेंट आते हैं कि आपके जैसा पति हर सबको मिले, आपके जैसा पति सबको मिले, ऐसे कमेंट आते हैं। पता है तुम क्या जानो, तुम्हें मिल गया ना सस्ते में क्या फ्री में मिल गया। तो गाइस हाँ बोल लो अभी कोई कीमत है क्या? हाँ मम्मी कहती थी मेरा बेटा करोड़ों में है। बस हाँ करोड़ों में, बहुत करोड़ों में हूँ मैं बस। तो तुम्हारी कितनी है? सीज़र टूट गया है मतलब फिर बता दे सीज़र में देख लो। कह रही है शीशा टूट गया, नहीं तो बताती शीशे में जाके देख लो। अच्छा तुम देखते शीशा। तो गाइस रात के बज रहे हैं 11, मैं वीडियो एडिट कर रहा हूँ, 15 मिनट में वीडियो एडिट कर दूंगा मैं, वैसे मैंने लाइन से लगा दी है, बस थोड़ी सी एडिट करनी है, और सुबह आपको टाइम पे 9 बजे मिल जाएगी। और कल से मैं अपनी वीडियो का टाइम चेंज कर रहा हूँ, 9 बजे की जगह मैं वीडियो डाल रहा हूँ 10 बजे, क्योंकि सुबह क्या होता है कि आप लोगों को दिक्कत ना हो, इस वजह से ठंड में आप लोग सोते हो, फिर मेरा ब्लॉग देखने के लिए आपको अपनी नींद खराब करनी पड़ती है, तो मैं खुद नहीं उठ पाता 9 बजे, मैं खुद 10-11 बजे उठता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि मैं अपना ब्लॉग 10 बजे डालूँ ताकि आप लोग 1 घंटा और सो सकें ठंड के टाइम में। तो सर्दियों में आएगी 10 बजे, सर्दी चल रही है, और गर्मियों में होली के बाद से ही 9 बजे वापस अपना टाइमिंग। अभी आपको कल से जो भी वीडियो आपको मिलेगी वो करेक्ट 10 बजे मिलेगी, ठीक है? ओके, ताकि आप लोग 1 घंटा और सो सको। तो बस इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, कैसा लगा ब्लॉग लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। लव यू ऑल।